Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. कुछ ही सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज ने धमाल मचा दिया है। इसकी एक वजह ये है कि नया कंटेंट और सास बहू के घिसे पीटे फॉर्मूले से छुटकारा। इस साल भी ऐसी कई वेब सीरीज रही जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया। तो चलिए इस साल की प्रमुख वेब सीरीज के बारे में जानते हैं। सीक्रेट गेम्स 2। साल 2019 के सबसे चर्चित वेब सीरीज की बात करें तो वो थी नेटफ्लिक्स की सीक्रेट गेम्स 2। हालांकि पहले सीजन की अपेक्षा दूसरे सीजन को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। दूसरा सीजन इस साल 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुआ। वेब सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी, रणवीर शौरी, त्रिवीण चावला और जतीन सरना की मुख्य भूमिका है। इसका निर्देशन अनुराग कश्यप और नीरज देवान ने किया है। मेड इन हेवन। Amazon Prime Video का वेब सीरीज मेड इन हेवन दिल्ली के दो वेडिंग प्लानर्स तारा और करण की कहानी है। इस सीरीज की हर कहानी में किसी एक वेडिंग के आसपास ताना बाना बुना जाता है। तारा और करण शादी की तैयारियों के साथ साथ आने वाली मुसीबतें सुलझाते जाते हैं। इसमें शोभिता धुलीपाला, अर्जुन माथुर, जिम सरब और कल्कि केकला ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसका निर्देशन जोया अख्तर, अलंकृता श्रीवास्तव, नित्या मेहरा और प्रशांत नायर ने किया है। दिल्ली क्राइम। ऋषि मेहता के निर्देशन में बनी दिल्ली क्राइम निर्भया केस से प्रेरित है। नेटफ्लिक्स के इस वेब सीरीज में शिफाली शाह, राजेश तेलन और रसिका दुग्गल ने मुख्य भूमिका निभाई है। 7 एपिसोड का ये वेब सीरीज दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहा है। द फैमिली मैन। जासूसी कथानक वाली वेब सीरीज के सीजन में प्राइम वीडियो की सीरीज द फैमिली मैन सब पर भारी पड़ी है। फैमिली मैन अपनी दिलचस्प कहानी, बेहतरीन अदाकारी, जासूसी और पारिवारिक रिश्तों के सामंजस्य, काबिले तारीफ संवाद और ह्यूमर के चलते दर्शकों को समीक्षकों की सराहना बटोरने में कामयाब हुई थी। खास तौर पर मनोज बाजपाई ने श्रीकांत तिवारी के रूप में एक जासूस और पारिवारिक व्यक्ति की जो एक्टिंग की, उसने सबका दिल जीत लिया। इनसाइड एज सीजन 2। प्राइम वीडियो के ओरिजिनल वेब सीरीज इनसाइड एज के दूसरे सीजन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। यह सीरीज क्रिकेट के खेल में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करती है और उसमें चलने वाले अंदर के खेल को बड़ी बारीकी और सरलता से समझाती है। इनसाइड एज 2 में ऋचा चड्ढा, विवेक ओबेरॉय, आमिर बशीर, तनुज बिरवानी, सिद्धांत चतुर्वेदी और अंगद बेदी की मुख्य भूमिका है। सीरीज को फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाया है। कोटा फैक्ट्री। सीरीज की कहानी राजस्थान के शहर कोटा पहुंचने वाले छात्रों के उन मनोभावनाओं को सामने लाने की कोशिश करती है जिससे अक्सर इन छात्रों के अभिभावक भी अनजान रहते हैं। माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के मानसिक दबाव में रहते हुए इन छात्रों पर दूसरा दबाव अपने ही साथ के दूसरे छात्रों का भी रहता है। TVF प्ले के इस सीरीज में मयूर मौर्य, जितेंद्र कुमार और दीपक सिमवाल की मुख्य भूमिका है। क्रिमिनल जस्टिस। हॉटस्टार की वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस में विक्रांत मैसी, अनुप्रिया गोयनका, पंकज त्रिपाठी, मीता वशिष्ठ और जैकी श्रॉफ मुख्य किरदार में है। इसे तिग्मांशु धूलिया ने निर्देशित किया है। क्रिमिनल जस्टिस कहानी है एक युवा आदित्य की। पढ़ने लिखने में होशियार आदित्य अच्छा खिलाड़ी भी है, लेकिन एक हादसा उनकी तकदीर बदल देता है। तकदीर से सब कुछ हासिल करने में लगा आदित्य सिकंजों के पीछे आ जाता है और हालात के पीछे आ जाती है कहानी से जुड़े हर किरदार की जिंदगी। Bureau Report, Indian Film History. For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.